आज मार्केट में बहुत कुछ एक्शन रहने वाला है क्योंकि आज एक तो हफ्ते का आखिरी दिन है और 3 दिन की लंबी छुट्टी है इस समय मार्केट के सामने और जो दायरा है मार्केट का वो सीमित होता जा रहा है। ये तो खैर हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि मार्केट के अंदर लो वॉल्यूम रह सकता है और रणनीति के हिसाब से भी हर रोज आपके सामने जी बिजनेस का व्यू रखते हैं जो आज भी रखेंगे फिलहाल। लेकिन अगर आप एसजीएक्स निफ्टी इस समय देखेंगे ये आज भी 500 के नीचे है। जो हमने कुछ एक एनालिसिस किया है प्रमुख फेसी जो आंकड़े हमको दिखे, खैर मार्केट के जानकार भी होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे ये तो समझ में आ रहा है कि 10,500 मार्केट के लिए एक टफ जोन है, एक सप्लाई जोन है। ये आज आपको एसजीएक्स निफ्टी भी यही दिखा रहा है, 10,460 एक इंपॉर्टेंट बेस है। अब जरा एक बार एशियन मार्केट देख लेते हैं, यूएस मार्केट देख लेते हैं, वहां पर टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर जो भी कटौतियां हुई हैं या जो आगे बढ़ रहा है उसका फायदा यूएस मार्केट्स को पूरी तरह से तो खैर नहीं मिला अभी, क्योंकि कल भी यूएस मार्केट्स के अंदर उतनी तेज हमने बढ़त आती हुई देखी जैसे कि हमको मंजूरी मिलने के वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक अच्छा मूव आएगा। तो टैक्स कटौती के बेसिस पर आप मार्केट के सामने अब 3 दिन की लंबी छुट्टी है, लेकिन इंडेक्स तो लगता है मेरी छुट्टी में पहले ही चला गया, वो कल भी कुछ नहीं कर रहा था। बिल्कुल पहले से ही छुट्टी पर चला गया इंडेक्स, लेकिन हाँ अब अगर इंडेक्स छुट्टी पर है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा और वैसे भी सोमवार को क्रिसमस के दिन बाजार बंद है तो हमने सोचा क्यों ना आज ही आपकी मुलाकात सेंटा से करा दे। और सेंटा आएंगे ऐसी बिजनेस पर तो सिर्फ कुछ यहाँ पर बातचीत करने नहीं आएंगे, कुछ तोहफे भी लाएंगे आपके लिए जो कि उनका एक तरीके से नियम होता है। तो वो जो तोहफे लाएंगे वो आपके बहुत काम आएंगे, आपके फायदे के तोहफे लेकर आने वाले हैं। तो जिंगल बेल आज होगी जी बिजनेस के न्यूज रूम में भी और जी बिजनेस के स्टूडियो में भी और आप तक भी वो पहुंचेगी और सेंटा ना केवल गिफ्ट आपको देंगे बल्कि ऐसे गिफ्ट होंगे जो खत्म नहीं होंगे बल्कि और बढ़ते जा सकते हैं, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनमें आपका मुनाफा लगातार बढ़ेगा। तो आज दिन भर सेंटा शेयर्स आपको जी बिजनेस की स्क्रीन से मिलेंगे, सेंटा क्लॉज भी आज हमारे साथ जी बिजनेस के स्टूडियो में ही होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ आज पूरे दिन सेलिब्रेशन सेंटा शेयर्स के साथ। बिल्कुल, तो आज पूरे दिन आप क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे जी बिजनेस पर और जल्द ही हम आपकी मुलाकात सेंटा से भी करवाएंगे, लेकिन साथ ही रोज सुबह हम आपको व्यू बताते हैं तो आज भी व्यू बता देते हैं जी बिजनेस का और जो व्यू है वो आज कुछ खास है नहीं, आज सेंटा पर ही नजर रखनी पड़ेगी, शायद वो आकर व्यू देते तो बेटर होगा, क्योंकि व्यू यही है कि आज सीमित दायरे में रहेगा कारोबार बाजार में। देखिए वैसे ही बड़ा फ्लैटिश ट्रेड होते जा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी देखें और ये टिपिकली दिसंबर एंड में देखने को मिलता है। तो निफ्टी के लिए 10,470 से लेकर 10,490 का ये लेवल है जिसके बीच में निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और साथ ही 10,430 से लेकर 10,400 के आसपास का लेवल है जहां पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने दायरे में ही घूमेगा बाजार, हाँ अगर ऊपर खुलता है तो आप थोड़ा कॉशियस जरूर रहिएगा क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है और बैंक निफ्टी की चाल पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में भी कल एक चीज थी, एक्सपायरी थी, इसके बावजूद अगर आप देखें तो दायरा जो था वो उतना बड़ा नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। पीएसयू बैंकिंग स्पेस पर नजर रखिएगा और साथ ही एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स में कल क्लोजिंग में भी खबर आई थी यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा ने अपना कारोबार बेचा है। तो आज जैसे फ्लैटिश मार्केट में आपको ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पर ढूंढनी हो तो वो ऐसे स्टॉक्स में मिल सकते हैं। बिल्कुल आज के मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा डेरिवेटिव का चेक भी ले लेते हैं। जैसे मिहिर ने अभी आज कहा कि एक फिर से सीमित दायरे का मार्केट रह सकता है, पहले जो हमने चार चीजें नोटिस की है ना वायदा बाजार से पहले जरा वो देखिए, उसके बाद आपको कॉल पुट पे लेकर चलूंगा और विक्स के आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। जो पहला पॉइंट समझ में आया मिहिर, 10,500 अब जनवरी के फ्यूचर्स में भी नहीं है, 10,500 के नीचे जनवरी का फ्यूचर्स आ चुका है, तो दिसंबर और जनवरी दोनों का फ्यूचर अब 10,500 के नीचे है। तो ये एक थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है जो हम आपको शुरू से रेगुलेट करवा के बता रहे थे कि 10,500 अहम मार्केट का सप्लाई जोन है। अब दूसरा देखिए बैंक निफ्टी, कल इसमें हल्की सी बिकवाली हुई है इंस्पाइट ऑफ दिस कि कल हमको वीकली एक्सपायरी थी, अच्छा मूव मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। लेकिन एक चीज बैंक निफ्टी के साथ दिख रही है जो कल के सेशन में भी दिखी, वो है 25,500 का सपोर्ट, यहां पे पुट राइटिंग अच्छी है, ये सपोर्ट बेस अच्छा है, तो शायद बैंक निफ्टी आज 25,500 वापस बचा जाएगा। एक और बात, अब विक्स बिल्कुल घट गया है, कल भी विक्स का दायरा बेहद सीमित था, 1% का भी स्विंग कल विक्स में नहीं मिला और ये इंडिकेट कर रहा है कि आज फिर से दायरा छोटा ही रहने वाला है जैसे हमने आपको जी बिजनेस का आउटलुक बताया। और चौथी एक चीज है वो है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी शायद हो सकता है मार्केट में आज थोड़े कम रहे, वैसे भी लंबी छुट्टी है 3 दिन की मार्केट की तो वॉल्यूम भी थोड़े कम रह सकते हैं। अब जरा कॉल पुट पे आए, क्यों हम 10,500 को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों 10,300 की बात और 400 की बात बार बार आपको जी बिजनेस के व्यू में मिल रही है। अब जरा 10,500 की कॉल दिखाएं, यहां पर भी राइटिंग
यानी कि यहां पर भी बिकवाली है, तो आप तेजी बिक रही है कहां पे 10,500 के कॉल पे, लेकिन एक कम है, बेहद कम है, ओपन इंटरेस्ट कम है, इसलिए थोड़ा सा भी वॉल्यूम शेयर पर 10,500 तक ले तो आए, लेकिन टिकाएगा चलाएगा बड़ा मुश्किल है, जैसे अब हमको जी बिजनेस के व्यू में समझ में आया। अब जरा 10,300 पे आ जाते हैं जहां मार्केट का अच्छा बेस है, ये बेस भी बिक रहा है, यानी कि मंदी भी यहां से बिक रही है, ये 300 के आपको पुट से दिख रहा है, 300 और 400 दोनों दिखा सकते हैं, दोनों की पुट में मिल रही है, तो मार्केट बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं सीमित दायरे के अंदर ही आपको दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सीमित दायरे में ही दिखेगा मार्केट। और उसमें अब हमारे साथ किरण जाधव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कल देखिए ट्रेंड थोड़ा FIs का और DIs का देखें तो रिवर्स हो गया। परसों के ट्रेड में FIs ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की बिकवाली की थी, DIs की 250 करोड़ की बाइंग थी। कल उल्टा हुआ, कल FIs की बिकवाली तो हुई 350 करोड़ के आसपास की थी, जबकि DIs की जो बाइंग थी वो 1500 करोड़ के आसपास की थी, लेकिन दायरा बहुत ही छोटा था। आज भी ऐसा ही ट्रेंड जी? मेरा मानना है कि ऐसे ही सुस्त कारोबार देखने को मिल जाना चाहिए, और उसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज तो बहुत सारे देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि हमने कल और परसों भी देखा था सीमित दायरे में निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, पर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव्स आ रहे थे, और एक बार एक मूव आती है तो करीबन 6-7% की मूव आ जाती है, तो वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लिए 10,400-10,500 यही रेंज रहेगी, शायद एक लेवल है 10,460, ये अगर निकल जाए आज ऑन द हायर साइड तो मेरा मानना है 10,500 टेस्ट करते नजर आएंगे। ठीक है, एक बार 10,500 तक भी हम पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्केट के साथ आपको चलना होगा, इंडेक्स को देख के चलना होगा। अब अच्छा किरण, एक और चीज है, सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला शेयर और बता दीजिए, क्योंकि अगर आज हमको इंडेक्स से कुछ खास मिलना नहीं है तो शेयर से तो पैसा कमाए, वो सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला शेयर कौन सा है? CSC करके है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, डेली चार्ट पे एक करीबन 3-4 महीने का कंसोलिडेशन का कल ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला, डेरिवेटिव डेटा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कुल मिला के ये एक स्ट्रॉन्ग बाय बनता नजर आ रहा है, करीबन 1100 के करीब ये जाता रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, पर मीडियम टर्म का टारगेट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, करीबन 1200-1250 के लेवल भी देखने को मिल पास। ठीक है, एक बार CSC का शेयर ध्यान में रखिएगा, कल अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर चला भी है जब बाहर थोड़ा रेंज में था, लेकिन इस शेयर ने इंट्राडे क्लोजिंग काफी शानदार की मीर, और करीब 4-4.5% का इसका डाटा हमने भी चेक किया, फ्यूचर बिल्डअप काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्डअप तो स्ट्रांग है, लेकिन किरण एक बार आप ADAG ग्रुप के स्टॉक्स पर बताइए अपना व्यू। ADAG ग्रुप के स्टॉक्स में कल एक बड़ी खबर आई और वो यही थी कि रिलायंस इंफ्रा ने अपना जो ट्रांसमिशन बिजनेस है मुंबई का, उसे अदानी ट्रांसमिशन को बेचा है, और इससे 13,500 करोड़ रुपए मिले हैं कंपनी को, और इसके चलते डेट फ्री हो जाएगी रिलायंस इंफ्रा। आपको रिलायंस इंफ्रा और ADAG के बाकी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो एक ये जो कल उछाल देखने को मिली इस न्यूज के चलते, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है, तो वो ट्रेंड लाइन की वैल्यू करीबन 510 है और कल का क्लोजिंग 505 है, तो आज 510 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मैं थोड़ी सी बुलिश व्यू बनाऊंगा, नहीं तो मेरा मानना है कि वापस एक बार फिजल के 200-475 के लेवल की देख सकते हैं। कल के वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे पर डिलीवरी वॉल्यूम्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले, तो ये स्पेकुलेटिव मूव है ऐसा लग रहा है, और अगर ऐसा होता है और 510-11 के ऊपर नहीं टिकता है तो नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मिहिर एक और चीज बताए, 28 तारीख को डेरिवेटिव की एक्सपायरी है, अब 3 दिन के मार्केट के पास छुट्टी है, ट्रेडिंग डेज अगर 28 तारीख तक देखे तो सिर्फ 2 या 3 दिन है, आज का दिन मिला के 3 दिन है, इस 3 दिन में प्रोबेबिलिटी है कि 10,500 पार कर जाएंगे और क्लोज भी कर जाएंगे? देखिए प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि एक तो वॉल्यूम्स थिन है, और अगर कहीं से कोई अच्छा ट्रिगर आ जाए आपके पास, पॉजिटिव ट्रिगर आ जाए तो ये किया जा सकता है, लेकिन देखिए वही है कि मार्केट का कन्विक्शन 10,500 के ऊपर के लेवल को लेकर फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, तो वो आपको जनवरी में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ जनवरी में जरूर आपको 10,500 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, 10,600-700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो बजट का बिल्डअप शुरू होगा। ठीक है, तो ये मानकर चले कि 28 तारीख तक आपको शायद 10,500 के बीच में ही दायरा आपको दिखे, अगर हो भी जाता है तो ज्यादा कन्विक्शन शायद मार्केट नहीं आपको दे पाए, इसलिए 28 दिसंबर तक आपके पास जितने भी ट्रेडिंग सेशन है उस सेशन में शायद 10,500 और उसके ऊपर टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जनवरी के अंदर एक्शन भरपूर रहेगा, बने रहेगा हमारे साथ ही। आप कुछ जरा ट्रेडिंग कॉल्स देख लेते हैं, रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए, रजत बताएं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, आज तो इनफैक्ट क्रिसमस मूड पे रहेंगे और इनफैक्ट जब कॉल्स होंगी वो खरीदारी की ही होगी। देखिए ईयर एंडिंग है और यहाँ पर तेजी की सलाह ज्यादा दी जा रही है, उसी आधार पर एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि मिड कैप स्टॉक्स जो है ना यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है।
वाटेक वबाग एक स्टॉक उन्होंने चुना है आज के लिए, जिसमें वो टारगेट दे रहे हैं 635 से 640 और स्टॉप लॉस 610 का लगाना होगा। इसके अलावा अनंत राज, कल जब बाजार बंद हो रहा था तो रियल्टी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन स्ट्रांग था, अनंत राज आज भी चढ़ सकता है, टारगेट रहेगा 74 से 76, स्टॉप लॉस 65.5 का रहेगा। कल्पतरु पार, ये स्टॉक है ये पोजिशनल आधार पर काफी स्ट्रांग है, लेकिन आज इंट्राडे बेट भी लगाई जा सकती है, इसमें 494 से 497 का टारगेट होगा, 475 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर पॉइंट मानता है ब्लिस जीवीएस खरीदें, एक और स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें 225 का वो टारगेट दे रहे हैं और 207 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। एसआरएफ एक स्टॉक जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, आज के लिए 2000 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1920 का लगाना होगा। और ओमेक्स लिमिटेड, इस स्टॉक पे भी बेट पॉजिटिव लगाई जा सकते हैं, जिसमें टारगेट है 240, स्टॉप लॉस 220 का लगा के चल सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है मार्केट की, उसी पे बेट लगा रहे हैं, एचसीसी 42 का टारगेट है, 38.5 का स्टॉप लॉस। और इंडो काउंट यहां पर आप नजर रख सकते हैं, 130 का टारगेट, 119 का स्टॉप लॉस। टेक्सटाइल स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एक बार एससीसी पे भी ध्यान रख सकते हैं। मेरी एक और चीज है, मार्केट में हर रोज कोई ना कोई एक ऐसा शेयर निकल आता है जो 30-35% चल रहा है, चाहे आरकॉम है, कल आईएफसीआई ने भी यही किया, में भी यही हुआ था कल, बिल्कुल रोज कुछ ना कुछ निकल आता है ऐसा। हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मयूरेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, मॉर्निंग टू यू। आप जो इनफैक्ट डिम्पी कह भी रहे थे कि अब परसों बारी थी आरकॉम की, कल बारी थी आईएफसीआई की, रिलायंस इंफ्रा भी चल गया, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, आप क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग मीर जी, बिल्कुल आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेके ही मार्केट्स में चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो अगले कदम गवर्नमेंट उठा सकती है स्पेसिफिकली बजट के थ्रू एंड अदर रिफॉर्म्स के थ्रू, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इसमें आई थिंक काफ़ी फोकस रहेगा, एज वेल एज रूरल इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पावर ट्रांसफॉर्मर्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, रेक्टिफायर, आई थिंक ये दोनों कंपनी आई थिंक एक ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रही है, कंपटीशन काफ़ी कम हो चुकी है, एबिटा मार्जिन्स डबल डिजिट में बढ़ने की पूरी उम्मीद है, और कहीं ना कहीं जो ROCs दबे हुए थे इवन दैट विल रिवाइव टू डबल डिजिट्स, इसका मतलब जो वर्किंग कैपिटल और यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं आई थिंक उस पर भी आई थिंक एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिलेगा। तो आई थिंक पावर ट्रांसफॉर्मर्स, वोल्टैम, ट्रिल इज समथिंग दैट आई एम रियली जेन्युइनली लाइकिंग ऑन डिप्स एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो एक और थीम समझ में आ रही है मार्केट में, वो है इस ट्रांसफॉर्मर वाली थीम, ये इसमें वोल्टाम एक शेयर है और ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स एक शेयर्स हैं, इन दोनों पे आप और ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है आज के दिन ये आपका जैकपॉट वाले शेयर्स भी बन जाए, इन दोनों शेयर्स पे जरूर आप ध्यान रख सकते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी हैं और साथ ही किरण जाधव हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कुछ खास करने के मूड में है नहीं आज, इस तरह के संकेत यहां से दिख रहे हैं, लेकिन हाँ आप ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ एक स्टॉक्स जिस पे मोमेंटम अच्छा है उस पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि आप मिड कैप को देखें और स्मॉल कैप को, तो वहां पर मोमेंटम भी अच्छा है और नया हाई लगातार बनते जा रहा है। तो पहले तो उन स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर आज खबरें हैं, हमारे साथ अंचल मौजूद हैं स्टॉक्स इन न्यूज लेकर। शुक्रिया मीर, शुरुआत करेंगे अरविंदो फार्मा से। देखिए आज कंपनी के लिए एक ट्रिगर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दो एनडीएस को अप्रूवल मिला है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है। कल डेफिनेटली टुवर्ड्स एंड बिकवाली हुई थी, आज उम्मीद कर रहे हैं शायद थोड़ी सी रिकवरी दिखे। भारतीय एयरटेल, यहां पे दो अलग अलग खबरें और दोनों ही पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। सबसे पहले तो तंजानिया सरकार ने इनको मंजूरी दे दी है जो सब्सिडी खरीदना इकाई खरीदना चाहते हैं उसके लिए, और साथ ही दूसरी और अभी परसों जो UIDAI ने इनका EKYC लाइसेंस रद्द किया था उसे दोबारा बहाल किया है, तो दोनों ही एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर काम करेगी आज भारतीय एयरटेल के केस में। HDFC लिमिटेड, यहाँ पे खबरों का जो सिलसिला वो खत्म नहीं हो रहा, अब एक नई खबर आई है HDFC रियल्टी और HDFC डेवलपर्स को बेचेगी कंपनी, दोनों सब्सिडरीज है और दोनों में 100% स्टेक बेचा जाएगा क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और ये जो पूरी डील है ये 355 करोड़ के आसपास हो सकती है, तो एक अच्छे अमाउंट में अपनी सब्सिडरीज बेच रही है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज HDFC लिमिटेड पे रह सकता है। विप्रो पे भी फोकस रखिएगा, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने कंपनी में 2.73% हिस्सा बेचा है, ये जो अभी बायबैक चल रहा था उस दौरान अजीम प्रेमजी ट्रस्ट ने स्टेक बेचा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मली 5700 करोड़ में बेचा गया, और नॉर्मली जब भी प्रमोटर या प्रमोटर एंटिटी स्टेक बेचते हैं वो थोड़ा डाइसी रहता है कंपनी के लिए, तो आज ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही, लेकिन हाँ क्योंकि दूसरी ओर एक्सेंचर ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है तो IT स्पेस डेफिनेटली बजिंग होगा।
साथ ही आप नजर रखिएगा नवीन फ्लोरीन में, देवास में 115 करोड़ के निवेश की योजना है कंपनी की। बेसिकली ये जीएमपी है, जो इनकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनके तहत ये निवेश करती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं नवीन फ्लोरीन क्रिटिकल रहेगा। और लास्टली नजर रखिएगा दालमिया भारत पे, कल मुरली इंडस्ट्रीज की खबर आई, उसी पे अब और डिटेल्स आ रही है। कंपनी बेसिकली रिवाइवल प्लान भी सबमिट किया है मुरली इंडस्ट्रीज का, और जो टोटल एक्विजिशन और रिवाइवल प्लान है वो कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को इन्होंने सौंप दिया है। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स है जिसपे थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। न्यूज फ्लो अच्छा है, लेकिन दो तीन शेयर इसमें से ऐसे भी हैं जो कि अच्छा चलते हैं। एक वीआईबी क्लोदिंग पे आज फिर से खबर आई है कि राइट्स इशू के जरिए ये कुछ शेयर अलॉट होंगे इनको, और 26 रुपए पर शेयर के दाम से अलॉटमेंट है वीआईपी क्लोदिंग की। जरा बताएंगे आप किरण, इस पे करना क्या है वीआईपी क्लोदिंग? वीआईपी क्लोदिंग पे अगर टेक्निकल राय ली जाए तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड काफी देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करीबन 67 लेवल्स के करीब आया था, उधर से हम करीबन 80 रुपीज के करीब ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ऊपर से डेली कैंडलस्टिक पे अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिल रही है 85 से 80 पर। मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम करेक्शन होने के बाद वापस इस स्टॉक में रुझान पॉजिटिव ही देखने को मिल जाना चाहिए। अगर मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मेरा मानना है कि इसका टारगेट करीबन 105-108 का आता है, जो कि करीबन 2-2.5 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप रुझान देख सकते हैं। इस बीच मयूरेश, HDFC पर आपका व्यू क्या है? HDFC पर देखिए लगातार न्यूज फ्लो चल रहा है, कल भी खबर आई थी HDFC रियलिटी और HDFC डेवलपर्स, इन्होंने हिस्सा बेचने की मंजूरी दी है, और जो क्विकर है वो HDFC रियलिटी और HDFC डेवलपर्स में खरीदने वाला है हिस्सा। आपको कैसा लगता है HDFC? नहीं, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, और कहीं ना कहीं अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड करता है। बट आई थिंक जो भी पैरामीटर्स हैं, स्प्रेड्स की हम बात करें 2.2-2.3 के बीच में आई थिंक मेंटेन किया है। एसेट क्वालिटी थोड़ी आई थिंक बढ़ी है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अराउंड एट 1.1-1.2 रेंज, एंड द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल ऑफ कंटेनिंग एट दैट लेवल। तो टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मेंस होता है बोथ इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, एसेट क्वालिटी इम्पेकेबल है, तो इसके वजह से जो प्राइस टू बुक में आई थिंक एक प्रीमियम देखने मिलता है, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल जारी होगा। और आई थिंक जो भी ये कदम उठा रहे हैं प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यू अक्रिएटिव फॉर द कंपनी, तो बिल्कुल पॉजिटिव व्यू रखेंगे बोथ ऑन HDFC एज वेल एज HDFC बैंक। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और न्यूज फ्लो भी है मार्केट्स के अंदर जिसका असर देखने को मिलेगा। एक बार जरा नवीन फ्लोरों के भी चार्ट चेक कीजिए आप किरण, क्योंकि खबर यह है कि 115 करोड़ रुपए की निवेश की योजना है इनकी देवास में, और ये कंपनी कुछ और एक्सपेंशन भी कर सकती है। अभी तो पहली खेप है 115 करोड़ की, आगे चल के कुछ और मूव भी आ सकता है। ये शेयर आज कितना चलेगा? इसका टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर देखना है तो करीबन 907-912 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, सॉरी 807-812 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए, और ये दो तीन ट्रेडिंग डेज में ही देखने को मिल जाने चाहिए। इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल दिया है, अगस्त से ये स्टॉक कम्प्लीटली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, और पिछले 3 दिन से भी ये लगातार कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को पार करते ही ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस और भी दिखा सकता है। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 762 का रहेगा लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। ठीक है, अच्छा मयूरेश, ये गीतांजलि जेम्स पे क्या न्यूज फ्लो चल रहा है? आपने कुछ स्टडी भी की होगी, पहले तो लारा दत्ता ने और महेश भूपति ने NCLT के अंदर जाके कंप्लेंट की, शेयर उस दिन तो टूटा नहीं, कंपनी का बयान आ गया, अब फिर मार्केट में एक खबरें आ रही हैं कि गीतांजलि जेम्स कहीं दिवाली ना हो जाए, इनका नक्षत्र का IPO आना है, बहुत न्यूज फ्लो है, समझ में नहीं आ रहा कि गीतांजलि के साथ किया क्या जाए। कुछ स्टडी की है सर आपने? नहीं, आई थिंक बैलेंस शीट जरूर देखी है और ये पूरी स्पेस में देखी है, तो मुझे लगता है आई थिंक टाइटन ऑब्वियसली स्टैंड्स आउट पूरे स्पेस में, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो PC ज्वेलर्स के आई थिंक नंबर्स दिख रहे हैं आई थिंक काफी इंप्रेसिव होने की आई थिंक उम्मीद है इन द सेकंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस हैज बीन एग्जेम्पलरी। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो 20-21% की ग्रोथ है, EBITDA में ऑलमोस्ट 22% की ग्रोथ है, तो मुझे लगता है आई थिंक PC ज्वेलर्स भी एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बढ़िया मूवमेंट दे सकता है, बट एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई थिंक थ्यांगमेड ज्वेलर्स जो साउथ बेस्ड ज्वेलरी है आई थिंक इन्वेंट्री लेवल्स थोड़ी हाई जरूर है उनके पास, बट मुझे लगता है आई थिंक जैसे कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे ये कंपनी के आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी बिग डार्क बेट दैट वी कैन से, जैसे एक डार्क हॉर्स हम कहते हैं ये एक साबित हो सकती है। तो शायद गीतांजलि जेम्स भी इतना पॉजिटिव ना रखें, बट आई थिंक ये दो तीन अलग स्टॉक्स जो ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं
कि अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, एक बार गीतांजलि को छोड़ा जा सकता है और इसके अलावा कुछ और स्पेस पे ध्यान रखना हो तो आप रखें। अच्छा मिहिर, एक और चीज है, टिपिकली मार्केट में वही शेयर इस समय चल रहे हैं जो पहले डेट रिडन है और कई दिन से चले नहीं, जैसे कि आरकॉम और IFCI, ये SCC, इसके अलावा GMR इन्फ्रा, ये कुछ एक और इन्फ्रा बेस्ड कंपनीज में भी इस तरह का मूव आ सकता है, कुछ ट्रिगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट? देखिए आ सकता है, आई थिंक इन्फ्रा में वैसे भी अगर आप देखें तो जनवरी में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखेगा, बिकॉज ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें स्पेंडिंग हमने हर बजट में देखी है और इस बार भी देखने को मिलेगी, तो वो होगा। लेकिन आई थिंक अभी भी, और ये इनफैक्ट अच्छा मौका साबित हो सकता है, जो एग्री और रूरल थीम है ना, अब देखिए क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है, रोटेशन चल रही है, चर्निंग चल रही है, तो उसमें उन स्टॉक्स ने थोड़ी बैकसीट ले ली है। लेकिन लेट जनवरी कम, आप देखेंगे कि वहां पर रेलवे स्टॉक्स में, रेलवे सेफ्टी इक्विपमेंट्स में, इन सब में फिर से एक रुझान देखने को मिलेगा बढ़त का, अट्रैक्शन का। ठीक है, जो ट्रेडिशनली बजट शेयर्स होते हैं, जो टिपिकल बजट शेयर्स होते हैं, डिफेंस में देखने को मिलेगा, उसकी बात नहीं हो रही है ज्यादा। ठीक है, डिफेंस, रेलवे, इन सब शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। किरण, कोई आपका रेलवे काउंटर है जिसमें आज से हम थोड़ा फोकस हो जाए? ठीक है, कैश के शेयर है, धीरे धीरे प्लस करेंगे। डिफेंस, रेलवे में कोई भी शेयर? टिटागर वैलेंस ही रहेगा, मेरा मानना है कि बजट तक के लिए लॉन्ग पोजिशन बनाने चाहिए। हमने पहली रैली देखी है करीबन 130 से लेके 185 तक, अभी टाइम करेक्शन चल रहा है और 160 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, और मेरा मानना है कि 220 के लेवल्स बजट के पहले देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, एक और शेयर है जरा उस पर भी ध्यान रहे, वो कैनरा बैंक है। मयूरेश, आपके रिकमेंडेशन चाहिए। ये कैनफिन होम्स में ना 4% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं और हिस्सा जो बिक जाएगा उसके बाद इनकी जो टोटल स्टेक है सिर्फ 26% रह जाएगी। ये कैनफिन होम्स में कुछ असर दिखेगा? कल की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं और थोड़ा आई थिंक दबाव भी हो सकता है स्टॉक में, बट मुझे जैसे लगता है जो डायनामिक्स हैं थोड़ी एसेट क्वालिटी में जरूर दबाव देखने मिला है, GNPS 0.2, नेट NPS 0.4, बट कहीं ना कहीं आई थिंक अभी भी आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं, ROAs 2%, ROEs इन एक्सेस ऑफ 22-23% टॉप ऑफ द नॉच रेटिंग्स हैं ये कंपनी के लिए, और कहीं ना कहीं एडजस्टेड प्राइस टू बुक पे भी हम देखें तो आई थिंक कंपनी ट्रेड्स अराउंड 4 times, थोड़ी महंगी जरूर है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, पर जैसे इसकी लोन ग्रोथ हो रही है 13,500 करोड़ से आई थिंक अगर 15-20% की हम उम्मीद लगाएं ओवर द नेक्स्ट 2 years, तो मुझे लगता है आई थिंक ये प्रीमियम जस्टिफिकेशन शायद वैलिड होगा। तो आई थिंक वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट दैट वी प्रॉब्ली लाइकिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस इज GIC हाउसिंग, जिसमें थोड़े एसेट क्वालिटी के प्रेशर जरूर है, GNPA साइड पे 2.3% पे है, लेकिन आई थिंक जैसे मैनेजमेंट की उम्मीद है टू डबल देयर लोन बुक इन द नेक्स्ट 2 years, काफी पॉजिटिवली पे आउट कर सकती है कंपनी। हमारे साथ किरण जादव हैं, मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं, कुछ ही देर में संदीप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आज के लिए। लेकिन जो जिस तरह का ट्रेड हो रहा है इसमें, एशिया में भी जिस तरह का ट्रेड हो रहा है, हर बार ये बात होती है कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक मार्केट में कुछ नहीं होता है, न्यू ईयर को इंडियन मार्केट्स में भी छुट्टी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आज देखिए एशिया जिस तरह से ट्रेड कर रहा है। एक चीज किरण, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एग्री स्टॉक्स या फिर रूरल इकोनॉमी के स्टॉक्स, अब इनमें देखिए काउंटिंग के दिन और उसके अगले दिन तो अच्छा खासा रुझान देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा साइडवेज हो गए वो स्टॉक्स। इसमें कोई स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको मोमेंटम देख रहे हो? देखिए ये तो कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉक की कि वो चलता है 2-3 दिन और अगर फॉलोअप डिमांड नहीं आती है तो थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद वापस वो मोमेंटम रुझान देखने को मिल जाता है। तो ऑटो स्टॉक्स में मुझे लगता है कि काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। जहां पे हम TVS मोटर्स की बात करें तो मुझे लगता है TVS मोटर्स में भी काफी अच्छे चार्ट पैटर्न है, कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है, 2 दिनों से थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, पर मेरा मानना है कि इधर से अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। एस्कॉर्ट्स में जो रूरल कंजम्पशन की बात कर रहे थे, एस्कॉर्ट्स में भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन और थोड़ा सा रुकावट करेगा, पर एक इम्पोर्टेंट लेवल जो इसने टेक्निकली क्रॉस किया है वो है करीबन 722। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक मुझे लगता है टाइम करेक्शन 2-3 दिन का रहेगा और उसके बाद वापस एक बार वो 744 के ऊपर चलने लगती है तो 774-778 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो कुछ एक शेयर्स और हैं जो कि आपको मिल रहे हैं किरण की तरफ से, लेकिन अब मेरे साथ हेमंत ठुकराल भी जुड़ चुके हैं, कुछ डेरिवेटिव्स के शेयर्स उनसे डिस्कस करते हैं। हेमंत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज कल मार्केट के अंदर IFCI अच्छा चला, वो खाड के अंदर भी अच्छा मूव आया, ये दोनों शेयर आज चलने पे हैं? आज फिर से चलेंगे दोनों शेयर, पोजिशन लें सर? एक में तो सर एक बैन है वो खाड में, तो आज
देखिए डिम्पी गुड मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हाई बीटा स्पेसेस में कल बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले, चाहे वो जीएमआर इंफ्रा हो, आईएफसीआई हो, वो कार्ड हो. सो बेसिकली दे विल कंटिन्यू विद द मोमेंटम, क्योंकि जिस तरह से कल मोमेंटम बिल्टअप हुआ है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि इट्स अ वन डे अफेयर या वन डे में ही कल नीचे आ जाएंगे. हाँ, क्योंकि दे हैव रन अप वेरी शार्पली, तो थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन का एक आधा दिन बीच में आए, दैट इज बाउंड टू हैपन. बट मेरे ख्याल नाउ वी शुड ओनली लुक फॉर हायर टारगेट्स, जैसे वो कार्ड आई फील शुड नाउ मूव टूवर्ड्स 945. आईएफसीआई मुझे लग रहा है कि अब 30 के लेवल्स की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, बिकॉज 30 में ही सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स जुड़े हुए हैं. सो आई थिंक 30 रुपीज 40 पैसा, 30-50 ही शुड चेक. आपने वो कार्ड की बात की, एक डीवीज लैब जो मुझे लग रहा है कि दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि इट इज इन द सेम ब्रैकेट लाइक वो कार्ड और कल उसमें ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है. मेरे हिसाब से डीवीज लैब में आने वाले एक दो दिन में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है टिल 11:20, 11:25. ठीक है, बिल्कुल. चलिए अब संदीप हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे ये जानते हैं कि आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स क्या क्या कह रही है. संदीप बताइए. शुक्रिया मेहर. देखिए आज आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा. एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए, शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ और उन्होंने जो गाइडेंस है इस वित्त वर्ष के लिए उसे इंक्रीज किया है. जो लोअर बैंड है 5-8% से अब उसे 6-8% किया है. उनका ये कहना है कि जो गाइडेंस बढ़ाया गया एक्सेंचर की ओर से ये अपने आप में एक संकेत है कि शायद डिमांड में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है. भारतीय कंपनी की जहां तक बात है तो हो सकता है जो रिवाइवल आने में थोड़ा सा लैग इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन अगर रिवाइवल आता है तो एक इंफोसिस और दूसरा एचसीएल टेक, ये दो कंपनी है जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा. ठीक है, इसके अलावा कोई और कंपनी सजेस्ट की है सीएलएसए ने? सीएलएसए ने तो नहीं करी है, लेकिन कल डिम्पी अगर आपको याद हो तो रिलायंस इंफ्रा की डील का अनाउंसमेंट हुआ था, शेयर में काफी अच्छा गेन्स बनते थे. जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट 630 रुपए का दिया है. उनका कहना है अदानी ट्रांस के साथ जो डील हुई है इनकी, उसकी जो इक्विटी वैल्यू करीब 6,250 करोड़ रुपए के आसपास की है. एक से दो क्वार्टर लग सकते हैं डील पूरी होने में, लेकिन अब उनका कहना है कि ये किस तरह से इसको कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा डिफेंस किस तरह से ये फॉरे करते हैं, उसका क्या रोड मैप ये देते हैं, ये दो चीजें हैं जो कि काफी है. ठीक है, आज किरण हमको बता भी रहे थे कि इस पर थोड़ा ध्यान रखें. अब टारगेट आ गए हैं ब्रोकरिंग हाउसेस के, 630 के शेयर है 505 पे 8% की बढ़त के बाद, तो आज शेयर पे ध्यान रखा जा सकता है. ये मैरिको पे भी रिपोर्ट है क्या संदीप? क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है एमपी, उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, 310 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है. एक कंसर्न वो रेस कर रहे हैं, उनका कहना है छोटी अवधि में जो मार्जिन्स हैं उनमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, कम हो सकते हैं मार्जिन, क्योंकि कोपरा जो कि इनका की रॉ मटेरियल है उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं. जब तक वो साइकिल वापस नीचे नहीं आता है तब तक इनके मार्जिन्स पर शायद प्रेशर देखने को मिलेगा, शायद इसीलिए वो न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं. ठीक है, एक बार मैरिको को छोड़ा जा सकता है किरण, आज कोई ट्रेड नहीं ले, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट भी थोड़ा कंसर्न जता रही है, छोड़ दें इस शेयर को आज? जो मूव हमने करीबन 305 से 320 तक देखी कल, एक अच्छे खासे वॉल्यूम से लोअर टॉप लोअर बॉटम इंट्राडे में कर रहा था, पर 320 एक इंपॉर्टेंट लेवल, 321 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, इसके ऊपर अगर चलना चालू कर देगा तो वापस एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए, टारगेट 335 के देखने को मिल जाने चाहिए. ठीक है, तो ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं है, एक बार छोड़ा जा सकता है, नहीं तो 335 तक के टारगेट भी देखे जा सकते हैं. कुछ ज्यादा बड़ा मूव तो शायद अमेरिको के साथ हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन डिफेंस की बात हुई थी, भारत फोर्ज को लेकर रिपोर्ट है कि आईडीएफसी की संदीप 800 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं डिम्पी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ. देखिए इनका यूएस में काफी बड़ा एक्सपोजर है क्लास 8 ट्रक्स के जरिए, 3 महीने से हम देख रहे हैं जो सेल्स के आंकड़े बेहद मजबूत है, और अब जो 2018 के लिए अगले साल के जो फोरकास्ट आ रहे हैं क्लास 8 ट्रकों की बिक्री के वो भी काफी मजबूत है. इनकी आपको बता दें यूएस से करीब आय का 17% हिस्सा आता है. एक तो वहां पे फ्रेट बढ़ रहा है यूएस में, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कल हमने जीडीपी के आंकड़े देखे 3.2% ग्रोथ थी, और मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग जो है वो इनका मानना है कि एक ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि भारत फोर्ज के लिए काफी पॉजिटिव है, इसलिए वो 800 रुपए तक के टारगेट प्राइस हो जा रहे हैं. ठीक है, भारत फोर्ज पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए हेमंत, करना क्या चाहिए शेयर पे? देखिए मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे है, एंड आई फील कि एक अच्छा मूव के बाद जो उसने ब्रेकआउट दिया 3 दिन पहले, इट इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट द गेन्स. तो जब तक 715 के नीचे नहीं आता है चांसेस आर वेरी हाई इट विल टेस्ट 755. सो आई विल ट्रेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑन द स्टॉक. ठीक है,
बिल्कुल, चलिए खैर भारत फोर्ज, इनफैक्ट ये जो खबर आई थी कल, हमने इस पर बात भी की थी कि यूएस में जो टैक्स बिल क्लियर हुआ है उसमें कई कंपनीज हैं जिनके यूएस में ऑपरेशंस हैं, उनको फायदा हो सकता है वहां पर इफ दे स्टार्ट पार्किंग सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स अपनी यूएस सब्सिडरी में. तो वो खैर उसे ट्रिगर नहीं कह सकते, लेकिन ये इंटरेस्टिंग प्ले होगा भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में जिनके वहां पर ऑपरेशंस हैं और सब्सिडरीज भी हैं. ठीक है, इस बीच आईबी रियल एस्टेट को लेकर भी जेपी की रिपोर्ट है, जरा संदीप वो भी बता दीजिए. ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है जेपी मॉर्गन ने डिम्पी, और 235 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं. देखिए लंदन में इनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, और उससे पहले इन्होंने एक मैंडरिन ओरिएंटल नाम की कंपनी है, होटल चेन है, जिसके साथ इन्होंने करार किया है. तो अब ये जो इनका लंदन प्रोजेक्ट है उसको लेकर जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी क्लियर होने लगी है, और जेपी मॉर्गन मानता है कि इस प्रोजेक्ट से इनके पास करीब करीब 2500 करोड़ रुपए के आसपास की जो नकदी है वो आती हुई दिखेगी. और दूसरा, इनके जो गुड़गांव में नए प्रोजेक्ट हैं, एक द्वारका एक्सप्रेस वे बनने वाला है, उसके इनके जो गुड़गांव प्रोजेक्ट है उसकी भी विजिबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है, जिस वजह से उन्हें ओवरवेट रेटिंग दी है और 235 रुपए का टारगेट प्राइस दिया. ठीक है, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमको देने के लिए. एक बार मयूरेश आपकी रिकमेंडेशन आईबी रियल एस्टेट पे, 3% कल ऊपर भी था, कल कुछ हाउसिंग के शेयर्स चल भी रहे थे, जैसे आप जीआईसी हाउसिंग भी बता रहे थे, ये आईबी रियल एस्टेट के अंदर क्या करना है? जैसे संदीप बता रहे थे एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जैसे स्टॉक चल चुका है मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो रियल एस्टेट में आई थिंक पिक एंड चूज करना है, तो आई थिंक ब्रिगेड जो साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसके रिसीवेबल पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, और जैसे नए लॉन्चेस कर रहे हैं और जो डाइवर्सिटी है बोथ इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल होटल्स में, जैसे इनका फोरे और एन्यूट इनकम, ये थोड़ा सपोर्ट करेगी अर्निंग्स को. और जो वेस्टर्न मार्केट्स है आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो आई थिंक ये दो स्टॉक हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. मीर, बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर कुछ बड़ा मूव आ सकता है क्या, कि सरकार कुछ ऐसा कुछ और प्लान करे या फिर कुछ इस तरह की खबर जो मार्केट में भी ड्यू है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही सपोर्ट नहीं दे रहा निफ्टी को एक्चुअली. नहीं, बैंक निफ्टी ही प्रॉब्लम है एक्चुअली, वरना तो ये कब का 10,500 के पार होता. लेकिन देखिए निफ्टी बैंक में ये भी है ना कि चलने के लिए कोई ट्रिगर भी होना चाहिए, बैंक्स के पास फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है चलने के लिए. ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मिनट्स रिलीज हुई है उसे अगर आप पढ़ें तो ये बड़ा क्लियर है कि असेट्स को लेकर कंसर्न है, और दूसरा जो यहाँ पर बैंक्स के रीकैपिटलाइजेशन की बात है उसे लेकर भी कंसर्न है. तो ये चीजें थोड़ी वे करेंगी, बिकॉज आपका एक पूरा तबका जो है पीएसयू बैंक्स का, उसने आप सोचिए कितने समय से बंद कर रखा हुआ है निफ्टी बैंक को, वही अभी भी हो रहा है. हेमंत, तो आज फिर रेंज क्या रह सकती है बैंक निफ्टी की? ठीक है हमारे पास न्यूज फ्लो नहीं है, हमारे पास एक ब्रेकआउट का बड़ा कैंडिडेट बैंक निफ्टी नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग मूव क्या है आज बैंक निफ्टी में, रेंज क्या आज की? देखिए मेरे हिसाब से 25,450 25,500 बहुत क्रूशियल है, दैट इज द लेवल दैट आई एम वॉचिंग, और 25,800 के ऊपर मुझे जाता हुआ लग नहीं रहा है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में. तो अगर आपको इसी रेंज में खेलना है तो वेन एवर इट कम्स टूवर्ड्स द लोअर बैंड, तो 25,500 के आसपास आता है, 25,530 के आसपास आता है, तो इट बिकम्स अ गुड बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,450, और मुझे लगता है वापस 25,750 25,800 टेस्ट करेगा. तो बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी और नैरो होती जा रही है, और मुझे लगता है एक्सपायरी तक 25,400 और 26,000 यही 600 पॉइंट की रेंज होल्ड करनी चाहिए बैंक निफ्टी को. मुझे चिंता सिर्फ तभी होगी अगर 25,400 का घर वो नीचे की साइड तोड़ देता है. ये इंपॉर्टेंट बात है आप जो बता रहे हैं कि 25,500 का अहम सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो शायद चिंता बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा बड़ा मूव भी नहीं दिख रहा, ये सिर्फ 26,000 तक ही आके हमको रुकता हुआ दिख रहा है. इसके अलावा कल जो शेयर्स चले थे उसमें कुछ छोटी छोटी रियल एस्टेट की कंपनीज भी काफी अच्छा मूव देखी थी. कल आपने डीबी रियलिटी को देखा होगा, काफी स्ट्रांग मूव था, अंसल हाउसिंग अच्छी क्लोजिंग थी. इन दोनों शेयर्स पे किरण आज क्या करना चाहिए, डीबी रियलिटी और अंसल हाउसिंग, कल दोनों सर्किट पे चले गए थे लास्ट में. डीपी रियलिटी में मेरा मानना है कि जो न्यूज के चलते ये स्टॉक चलता है और भी बढ़त देखने मिल सकती है, इधर स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करना चाहिए. 41 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो करीबन 49 से लेके 51 लेवल्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल कंजेशन जोन रहेगा. अंसल की बात करें तो मुझे अंसल प्रॉपर्टीज में मुझे लगता है कि इधर भी एक अच्छी खासी मूव आ जानी चाहिए. जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन 28-29 लेवल से वो टेस्ट होते नजर आने चाहिए, इस ट्रेड के लिए 23 का स्टॉप लॉस रहेगा.
इंपॉर्टेंट है मिहिर, मारुति का ट्रेड भी आज देखना, क्योंकि मारुति ने यह कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी आना चाहते हैं और बैटरी से लेकर सब कुछ बनाएंगे। और मारुति अगर ये बात बोल रही है तो नई जंग छेड़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इनफैक्ट उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी कही थी कि दाम तो बढ़ेंगे ही BS6 आने के बाद, लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही जो कि मार्केट के लिए काम की थी वो ये थी कि भले ही इन लेवल्स पर मारुति का शेयर पहुंच गया हो लेकिन स्टॉक स्प्लिट की इनकी कोई योजना है नहीं, क्योंकि लोग अभी भी खरीद रहे हैं। तो हमारे सहयोगी हैं नंद कुमार नायर, इन्होंने खास बात की थी RC भार्गव जी से, चेयरमैन मारुति के, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। शुरुआत सर इसी बात से करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो चर्चा है इस वक्त वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर है, और सुजुकी और टोयोटा की तरफ से जो 2020 में पहली गाड़ी आने का ऐलान है वो भी हो चुका है। ऐसे में मारुति का जो रोल होगा वो क्या रोल होगा इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन में? देखिए, मारुति को सुजुकी और टोयोटा को इनपुट देने होंगे कि गाड़ियों को हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कंज्यूमर को बेचने के लिए क्या इकोसिस्टम बनाना होगा, गाड़ियों में क्या फीचर्स देने होंगे ताकि वो गाड़ी एक्सेप्टेबल हो जाए हमारे कंज्यूमर्स को और उनको सक्सेसफुली मेंटेन करने के लिए और उनकी बैटरियों को ठीक से डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या ट्रेनिंग देनी होगी, क्या इक्विपमेंट्स लाने होंगे, ये सब तो हमारे काम होगा। गाड़ी बेचना हमारा काम है और गाड़ी बनाना चाहे सुजुकी बनाए चाहे हम बनाए वो तो एक ही बात है, क्योंकि हमारा पेरेंट तो सुजुकी है, तो सारा ही रोल हमारा ही है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आएगी। कयास लगाए जा रहे हैं वो डीजल गाड़ियों को लेकर लगाए जा रहे हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2030 तक शायद डीजल गाड़ियों का सूर्यास्त हो जाए। ऐसे में डीजल गाड़ियों की अगर हम बात करें तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर, और कस्टमर्स को आप क्या कहेंगे कि वो खासकर छोटी डीजल गाड़ियों की बात करूँ तो इज इट वायबल टू बाय देम? देखिए, BS6 आने के बाद छोटी डीजल गाड़ियाँ की बिक्री तो शायद बंद सी हो जाएगी, बिकॉज उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी पेट्रोल कार के मुकाबले में कि शायद ही कस्टमर्स मिलेंगे जो कि छोटी गाड़ी पेट्रोल की छोड़ के और डीजल की खरीदें। बड़ी गाड़ियों में BS6 के बाद दाम ज़रूर बढ़ जाएंगे, मगर अगर महंगी गाड़ी है तो उसमें 1-1.5 लाख का फर्क जो है वो शायद कस्टमर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। सर, इन्वेस्टर्स के लिए जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो ये कि 10,000 टच कर गया है, क्या शेयर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए शेयर स्प्लिट जैसा कुछ आने वाले टाइम में सोचा जा सकता है? शेयर्स तो अफोर्डेबल हैं, तभी लोग खरीद के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, नहीं तो कैसे खरीदते जी। तो इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं, हमारा काम तो अब यह है कि कंपनी को इस एफिशिएंसी से चलाएं कि शेयर होल्डर्स की जो उम्मीदें हैं, जो आदमी 10,000 का शेयर खरीदता है उसकी उम्मीदों में कोई धक्का ना लगे जी। तो खुद RC भार्गव कह रहे हैं कि मारुति का शेयर तो अफोर्डेबल है इसलिए तो लोग खरीद रहे हैं। और एक और चर्चा जो बाजार में चल रही थी ना कि शेयर स्प्लिट हो जाएगा 10,000 पे आके, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। RC भार्गव ने बात क्लियर कर दी है कि शेयर स्प्लिट नहीं होने वाला और ये आगे भी शायद और चल सकता है, ऐसे इंडिकेशन दिखे, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके अंदर मारुति बड़ी तैयारी कर रहा है। डीजल की गाड़ियां महंगी हो रही हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा।